हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगा एक्समैन यूनिवर्स के बारे में। सभी जानते हैं कि एक्समैन यूनिवर्स में काफी सारी मूवी रिलीज हुई है, जिसमें कि रिलीज हुई मूवी 2014 की एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में जब वुल्वरीन टाइम ट्रेवलिंग करता है तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। देन उसी के साथ अभी हाल ही में रिलीज हुई 2018 की मूवी डेडपुल 2, जिसमें कि जब डेडपुल टाइम ट्रेवलिंग करता है तो काफी सारा कंफ्यूजन पैदा होता है। तो उसमें एक्समैन फैंस क्या करें, उन्हें ये मूवी देखनी है तो किस ऑर्डर में देखें और कैसे करके देखें। तो गाइस, मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, जिससे कि मैं आपको पूरे एक्समैन की टाइमलाइन को एक्सप्लेन कर सकूं, जिसमें कि मैं सारी मूवीज को इंक्लूडिंग करूं और आपकी उनकी रिलीजिंग डेट भी बताऊं, उनके प्रेजेंट टाइम भी बताऊं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। टाइमलाइन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी है और अपने मेथड से एक्सप्लेन करी है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और देन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, चाहे मुझे आप इंस्टाग्राम पे बोल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक्समैन की टाइमलाइन 1 के बारे में। तो एक्समैन टाइमलाइन 1 में आती है सबसे पहले मूवी एक्समैन फर्स्ट क्लास। ये मूवी रिलीज हुई थी साल 2011 में। इसके जो प्रेजेंट टाइम दिखाया गया, यानी कि इस मूवी में जो इवेंट हुए हैं, वो हुए हैं 1962, यानी कि 1962 में। इस मूवी में फोकस करा है मिस्टिक, मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स। आपको इनकी ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेगी इस मूवी में एक्समैन फर्स्ट क्लास। अब कंटिन्यूस करते हैं 1973 में। अब 1973 में एक इवेंट होता है जहाँ पर मिस्टिक ये पता लगाती है कि म्यूटेंट्स के खिलाफ कुछ चल रहा है, और जैसे ही मिस्टिक को पता चलता है 1973 में कि टास्क म्यूटेंट के खिलाफ एक मशीन बना रहा है जो कि उन्हें फ्यूचर में बर्बाद कर देगी और उस मशीन को बनाने में 50 साल लगेंगे, तो मिस्टिक तुरंत ही टास्क को ढूंढते ही मार देती है। अगर आपको ये 1973 का इवेंट देखना है तो 2014 में एक मूवी रिलीज हुई थी एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, तो उसमें 11 से 12 मिनट की रनिंग टाइमिंग के बीच में आप ये इवेंट देख सकते हो, जहां पर मिस्टिक मार रही है टास्क को 1973 में। अब चलिए कंटिन्यूस करते हैं अगली मूवी एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में। इसका जो प्रेजेंट टाइम दिखाया है वो है 1979 में, जी हाँ, जिसमें कि फोकस करा है वुल्वरीन पर। वुल्वरीन एक्समैन यूनिवर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अब 1973 में हमें काफ़ी सारे ईयर्स दिखाई जाती हैं, जो कि आपको मूवी देख के पता चलेगा। तो मूवी बहुत ज़्यादा कमाल की है, इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं अगली मूवी पर, जिसका नाम है एक्समैन। ये मूवी रिलीज हुई थी साल 2000 में। इसका जो प्रेजेंट टाइम दिखाया है वो है साल 2000, जी हाँ, जिसमें कि मेन कैरेक्टर दिखाई है हमारे वुल्वरीन, एक्स प्रोफेसर, मैग्नेटो और मिस्टेक, जिनके बीच में कुछ परेशानी होती है, दिक्कत होती है और वुल्वरीन की यादें चली जाती है। तो मूवी की स्टोरी कुछ डिफरेंट टाइप की है, पर इस मूवी का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइमलाइन के लिए। उसी के साथ फोर्थ नंबर की मूवी आती है एक्समैन 2। ये मूवी रिलीज हुई थी साल 2003 में। इसका जो प्रेजेंट टाइम है साल 2003 ही है, जी हाँ, ये ईयर वाइज ईयर में तो शुरुआत में बहुत सही तरीके से चली थी। देन उसके बाद अगली मूवी आती है एक्समैन लास्ट स्टैंड, जो कि रिलीज हुई थी साल 2006 में। इसका जो प्रेजेंट टाइम है साल 2006 है। तो आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं पैदा होगा, ये तीनों मूवी कंटिन्यूस है, एक्समैन 1, एक्समैन 2, एक्समैन 3। उसके साथ कंटिन्यूस करते हुए अगली मूवी आती है एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन 2। जी हाँ, ये वुल्वरीन का सेकेंड पार्ट है, पर कंटिन्यूस करती है 2006 वाली एक्समैन मूवीज को, जिसमें कि मेन फोकस करा है वुल्वरीन पर, कि जब वुल्वरीन प्रोफेसर एक्स को याद करता है और देन कोई उसके साथ नहीं होता है तो उसके संग क्या क्या घटनाएं होती हैं। इसका जो प्रेजेंट टाइम है वो है 2013 का, जी हाँ, इसके टाइम में कोई चेंजेस नहीं करा गया है। फिर उसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है कि वुल्वरीन की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एक्स जिंदा हो जाती हैं और देन वो बताते हैं फ्यूचर के बारे में। अब नेक्स्ट मूवी आती है सेवेंथ नंबर पर एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। ये मूवी रिलीज हुई थी साल 2014 में। इसका जो प्रेजेंट टाइम है वो है 2023। अब 2023 में हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस्टिक ने जब टास्क को मारा था 1973 में, तो इन 50 सालों में गवर्नमेंट ने एक ऐसी मशीन बना ली जो कि एक्समैन को पहचान कर, यानी सारे म्यूटेंट्स को पहचान कर उन्हें मार रही है। अगर आपको ये इवेंट देखना है तो इसकी रनिंग टाइमिंग है 0 से लेकर 17 मिनट तक इस मूवी में। 70 मिनट तक आपको इस मूवी में फ्यूचर दिखाया जाएगा, यहाँ पर सारे म्यूटेंट्स मर रहे होती हैं। बट
2013 में जब प्रोफेसर एक्स लोगन को फ्यूचर के बारे में बताते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि लोगन से टाइम ट्रेवलिंग करवाई जाती है। जी हाँ, अब 2023 से लेके वुल्वरीन से टाइम ट्रेवलिंग करवाई जाती है। अब 2023, फिर 2013, फिर 2006, 2003, 2000, फिर 1979, फिर 1973। जी हाँ, वुल्वरीन हमारा पहुंच जाता है 1973 में। अब इस मूवी में पूरा फोकस करा गया है 70 मिनट के बाद। जी हाँ, आपने फ्यूचर देखा 70 मिनट तक 2023 में, और 70 मिनट के बाद 1973 के इवेंट दिखाए जाते हैं जिसमें कि वुल्वरीन पूरा फोकस करता है प्रोफेसर एक्स मैग्नेटो को एक साथ दोस्त बनाने के लिए, और देन उसे पूरा भविष्य बताता है कि अगर मिस्टिक ने टास्क को मार दिया तो गवर्नमेंट एक ऐसा ऑपरेशन चालू कर देगी जिससे कि आने वाली प्रजाति म्यूटेंट की खतरे में पड़ जाएगी। तो इस इवेंट में हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ सही हो जाता है जैसा कि वुल्वरीन चाहता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है समझने के लिए कि जब वुल्वरीन टाइम ट्रेवलिंग कर 1973 में जो भी चेंजेस करता है और मैग्नेटो प्रोफेसर एक्स जो भी चेंजेस करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मिस्टिक किसी को नहीं मारती है, गवर्नमेंट कोई भी ऑपरेशन नहीं करती है, और जो 2023 में जितने म्यूटेंट मारे गए वो नहीं मरती हैं, और देन जितने भी इवेंट हुए वो भी नहीं होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि दूसरी टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, और इसका मतलब 1973, 1979, 2000, 2003, 2006, 2013, 2023 का ये कोई भी इवेंट नहीं होता है, ये मूवी का कोई वजूद ही नहीं होता है। जी हाँ, मूवी क्या इनकी जो प्रॉपर टाइमलाइन प्रेजेंट टाइम होता है उनका कोई वजूद ही नहीं होता है। जी हाँ, 1973 से दूसरी टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर वुल्वरीन दूसरी तरीके से बनाया जाता है और देन सभी एक्समैन की अलग अलग स्टोरी बन जाती है। तो सबसे पहले अब कंटिन्यूस करते हैं टाइमलाइन 2। 1973 के बाद कंटिन्यूस करते हैं 1983 में। 2016 में एक मूवी रिलीज हुई एक्समैन एपोकलिप्स, इसका जो प्रेजेंट टाइम है वो है 1983 का। इसमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जब 1973 में सब कुछ सही हो जाता है तो प्रोफेसर एक्स दोबारा से स्कूल चालू करते हैं अच्छी तरीके से, और देन वो नए नए बच्चों को भर्ती करते हैं। बट यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाती है। पुराने टाइम में एक म्यूटेंट होता है, सबसे पहला वो दोबारा से जिंदा हो जाता है, जबकि वो एक एलियन होता है। जी हाँ, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, पर लोग उसे म्यूटेंट समझते हैं, और ये चीज़ कंटिन्यूस चलती आ रही होती है 1983 तक। अब 1983 में वो एपोकलिप्स जिंदा हो जाता है, और यहाँ पर सारे एक्समैन एक साथ मिलकर लड़ते हैं और उस एपोकलिप्स को हरा देते हैं। अब उसके बाद कंटिन्यूस करते हैं 1992 में। ये मूवी रिलीज हुई थी साल 2019 में, एक्समैन डार्क फीनिक्स। इस मूवी में मेन फोकस करा है जेन ग्रे पर। यहाँ पर जेन ग्रे अपनी कुर्बानी दे देती है और यहाँ पर हमें स्कल्स दिखाई जाती हैं। जी हाँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता पर इस मूवी में स्कल्स दिखाई गई हैं, जो कि एक अलग ही ग्रह से आई होती हैं, और वो भी एक एलियन ही होती हैं, एक नई एलियन प्रजाति होती है जो कि लोगों का रूप ले लेते हैं और उनकी पावर भी ले लेते हैं, और देन फिर उनसे उन्हीं को हराती हैं। तो एक्समैन यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होकर सभी को हरा देते हैं 1992 में। अब कंटिन्यूस करते हैं अगली मूवी पर जिसका नाम है डेडपूल। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी है, थोड़े अडल्ट सीन है, और देन मूवी देखने लायक है। ये मूवी रिलीज हुई थी साल 2016 में, इसका जो प्रेजेंट टाइम है साल 2016 है। इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि वेड विल्सन एक्चुअल में डेडपूल कैसे बनता है, ये इसके ऊपर पूरा फोकस मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है गाइस। देन उसी के साथ दो साल बाद यानी कि 2018 में आती है डेडपूल 2, जिसका प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है 2018 में। अब यहाँ पर हमें एक कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन कराया जाता है जिसका नाम होता है केबल। अब केबल फ्यूचर से आया होता है। जी हाँ, अब एक्समैन की जो टाइमलाइन है 2, उसमें डेडपूल की टाइमलाइन एग्जिट करती है, और यहाँ पर डेडपूल 2 में हमें केबल से इंट्रोडक्शन कराया जाता है जो कि आने वाले फ्यूचर से आया होता है। अब आप सभी जानते हो कि केबल कौन है। केबल जेन ग्रे और साइक्लोस का बेटा है। जी हाँ, अब केबल के संग फ्यूचर में कुछ दुर्घटना होती है जिसे वो मिटाने के लिए, सही करने के लिए 2018 वाली टाइमलाइन में आ जाता है डेडपूल की। अब डेडपूल यहाँ पर केबल की मदद करता है और यहाँ पर ये इवेंट हमें दिखाया जाता है। बट डेडपूल काफ़ी ज़्यादा शरारती होता है और देन काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान भी करता है। तो डेडपूल क्या करता है, एंडिंग में केबल की टाइम ट्रेवलिंग मशीन को सही करता है और फिर जाता है 2009 वाली मूवी एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन, जिसका प्रेजेंट टाइम होता है 1979 का। वहाँ पर जो डेडपूल होता है वो उसे ख़त्म कर देता है। यानी कि पहली बात तो उस टाइमलाइन को कोई वजूद नहीं होता है, फिर भी जो उसमें डेडपूल होता है वो उसे ख़त्म कर देता है। तो अब दोनों टाइमलाइन में अब एक ही डेडपूल बचता है जो कि होता है हमारा वेड विल्सन।
जिसकी कंटिन्यूस आगे मूवी और भी आएंगी मार्वल फ्यूचर में, जो कि होगी डेडपूल 3। अब कंटिन्यूस करते हैं साल 2017 में रिलीज हुई मूवी लोगन। इसका जो प्रेजेंट टाइम दिखाया गया वो है 2029 का। जी हाँ, अब 2029 में क्या होता है कि प्रोफेसर एक्स काफी ज्यादा ओल्ड हो जाती है और हमारा वुल्वरीन भी काफी ज्यादा ओल्ड हो जाता है। उसके शरीर में काफी सारी दिक्कत आने लग जाती है, तो मेन फोकस इन दोनों कैरेक्टर पे करा गया है। अब लोगन के संग क्या होता है, वो एंडिंग में मर जाता है और प्रोफेसर एक्स के संग भी कुछ ऐसा ही होता है। बट यहाँ पर हमें कुछ ऐसे पॉइंट छोड़े जाते हैं जो कि हमें पता चलता है कि इसको भी कंटिन्यूस करा जाएगा। और डेडपूल को 2018 में पता चल जाता है कि वुल्वरीन के संग क्या होता है। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, पर मैं इस तरीके से इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसकी फुल अलग से डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो गाइस, ये है वो करंट टाइमलाइन। 2029 तक एक्समैन की टाइमलाइन 2 बिल्कुल करेक्ट है। और देन मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी अभी भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे को इंस्टाग्राम पे बताइए, मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। और देन अगर आपको ये पोस्टर देखना है, डाउनलोड करना है फुल HD में, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का, आप वहाँ पर इसे इजीली डाउनलोड कर सकती हो। फिर भी मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन होंगे, तो मैं उसको दूर करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और देन गाइस, वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको मैं एक छोटी चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं एक्समैन की टाइमलाइन के अलावा कुछ मूवीज की टाइमलाइन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें कि स्टार वॉर्स, एलियन वर्सेस प्रेडिक्टर, देन उसी के साथ कॉन्जरिंग यूनिवर्स को भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये तीनों यूनिवर्स भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। और देन गाइस, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तीनों, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन और देन आपको ये वीडियो आई बटन पे देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर वुल्वरीन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।